पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बन जाती लेकिन रिपीट नहीं हो पाती। दूसरा जो आज के पेपर में शराबबंदी से ज्यादा महत्वपूर्ण है सूखा नशा। सूखा नशा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको कर रहा है, अगर यदु जी अगर हम इसका एक आकलन करेंगे तो उस सूखे नशे के गर्त में और अंधेर कुएं में जो गिर रहा है वो प्रदेश का युवा ही है। तो प्रदेश के युवा के साथ साथ वो परिवार जो इस मतलब सूखे नशे में घुस जा रहा है या किसी तरह से गलत रास्ते पर चला जा रहा है, वो पूरा परिवार तबाही के कगार पे जा रहा है। उस सूखे नशे के कारण किसी न किसी दिन आए दिन मतलब किसी न किसी की हत्या हो रही है, लूट छीन हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो बात क्या है, प्रदेश का युवा समझदार भी है, खबरदार भी है और मीडिया के सामने उसके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। प्रदेश में जो 4.5 साल से सरकार चल रही है उसके समक्ष इतना बड़ा अपराध का घर, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवा अपने हाथ में लेके चलते हैं। युवा देश के भविष्य है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। जब शराब में, कोयला में, चावल में और यहाँ तक कि गोबर में भी अगर कोई घोटाला करे तो वो प्रदेश के युवा देख भी रहे। तो प्रदेश के युवा का बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। हम लगातार उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। आज एनएसयूआई अभी से इनिशिएटिव ले रही है, हम बहुत पहले से इनिशिएटिव ले चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। युवाओं से बात हो रही है, लगातार चल रहा है, लेकिन विषय क्या है, किस वर्ग को आपने छला नहीं, युवा को आप अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को छला शराबबंदी के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे युवाओं को छला, अपराध के नाम पे पूरे प्रदेश को छला, भ्रष्टाचार के नाम पे प्रदेश के संसाधनों को लूटने वालों के साथ गलत काम किया। तो जो समर्थन आपने दिया उन लुटेरों को, उन भ्रष्टाचारियों को, वो तो प्रदेश का युवा भी देख रहा है, हर वर्ग देख रहा है। तो यदु जी एक क्लियर मैसेज है जो भूपेश बघेल जी के मुंह से निकला कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होती, उसका कारण ये है कि इनको इसका एहसास हो चुका है कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। जी यदु जी जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी,